हेलो और वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर एक सोलर सिस्टम हमें बनाना है और विद द हेल्प ऑफ सीएसएस एंड एचटीएमएल, उसके लिए कोड भी मैंने लिख रखा है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वो कोड क्या है, ठीक है। तो ये वो कोड है, देख सकते हैं यहाँ पे सन है, फिर मरकरी है, फिर वीनस है और ये सीएसएस की कोडिंग है, ठीक है। और यहाँ पर हेक्साडेसिमल कलर्स आपको दिख रहे होंगे, अगर आपको हेक्साडेसिमल कलर्स याद है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हेक्साडेसिमल कोड्स है, ठीक है। अब यहां पर जाकर के इसको सेव करूंगा और ये ध्यान रखना है कि इसे जिस नाम से सेव करेंगे उसी नाम से हम इसे HTML कोड से एक्सेस करेंगे। तो यहां पे सेव पे जाता हूं और यहां एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया ऑलरेडी CSS के नाम से, उसी के अंदर इसको हम सेव करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जाकर के और यहां पर देख सकते हैं ये CSS वाला फोल्डर है, इसी के अंदर हम जाएंगे और इसी के अंदर सेव करेंगे। तो इसे हम स्टाइल्स के नाम से सेव करते हैं, styles.css, ये CSS वाली हमारी फाइल हो जाएगी और इसे हमने सेव कर दिया, यहां पर आकर के सेव किया, ठीक है। अब ये तो सेव हो गया styles.css, जो दूसरा कोड है उसे हम styles के ही नाम से एक्सेस करेंगे। तो यहां देखिए styles styles.css, यहां पे देख सकते हैं जो पहला कोड हमारा था उसको भी आप देख सकते हैं यहां पर, ये पहला कोड है, मैं आपको दिखाता हूं styles के नाम से अभी सेव किया हमने। तो अब हम इसको जब चलाएंगे तो पहले तो इसको भी सेव करते हैं, तो इसको भी उसी फोल्डर में सेव करेंगे CSS वाले में, ठीक है। और इसको किसी भी नाम से हम सेव कर सकते हैं, तो इसे मैं सोलर के नाम से सेव करता हूँ, solar.html। तो इसे .html एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे और यहां पर जाकर के इसको हम सेव कर लेंगे। और यहां पर अब देखेंगे तो यहां पर ये यह आपको नजर आएगा और ये हमारी CSS वाली फाइल है स्टाइल्स के नाम से। और यहां पर इसकी कोडिंग जब देखेंगे तो आपको ये भी नजर आएगा, यहां पर देखिए यहां पर राइट क्लिक करके, और ये कोडिंग मैं आपको दिखा देता हूं पूरी। स्टाइल्स के नाम से इसे सेव किया, देखिए styles, ठीक है। और ये जो कोडिंग है इसमें भी हमने यहाँ पे नेम क्या दिया है styles.css, तो देख सकते हैं सेम है दोनों में। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है बस, ठीक है। और अब इसको चलाने की बारी है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, जैसे ही डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सोलर सिस्टम लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा यहाँ पर, ये देख लीजिए। तो कुछ इस तरीके से आप HTML पर बना सकते हैं, आप इसे मूव भी करा सकते हैं, मूव कराने की क्राइटेरिया अलग हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। ये कोड अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है सूरज सर कंप्यूटर वाले, वहां से जाकर के ले सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।